सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम मानव खड़े, रात देख रहे हैं मानव खड़े। तो गाइस आज मैं बनाने वाला हूँ, मेरे पास है यहाँ पे ब्रेड, चीज़ और अमूल बटर। तो इनसे मैं एक इंटरेस्टिंग एक डिश बनाने वाला हूँ। तो गाइस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज अपना पहला यानी मैं कुछ बनाने की वीडियो शूट कर रहा हूँ, यानी आज मैं कुछ खाने का बना रहा हूँ, उसकी वीडियो पहली बार शूट हो रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। चलिए अभी इसको मैं बता दूँ कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको एक थाली चाहिए, जिसके अंदर आपको लेना है ब्रेड। आपको दो ब्रेड ले लेना है, जितने आपको खाने हों उतने आप ब्रेड लो। मेरे दो चाहिए, मैंने दो ही लिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली बटर निकालना है। अमूल बटर है तो इसको मैं भी खोल के फिर आपसे एक बार दो मिनट खोल लेता हूँ, क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसको एक बार खोल लेता हूँ। तो गाइस अभी मैंने इसको खोला है, नहीं खोला नहीं है, मैंने इसको फाड़ ही दिया है। तो चलिए इसमें से अब ये बटर की स्लाइस भी निकाल लेते हैं। ये है बटर की स्लाइस। तो अब इसको मैं यानी इसके ऊपर जो है पूरा यानी इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा दोनों के ऊपर रखूँगा। तो चलिए इसको भी खोलते हैं। अब एक हाथ से नहीं खुल रही है, ये खुल गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने खोल दी है। ठीक है, तो इसको एक बार पूरा खोल लेता हूँ। तो गाइस मैंने इसको खोल लिया, मैंने इसको कुछ इतना ऐसा ही खोला है यानी। तो यानी मैं थोड़ा बहुत अब इस पर इस चम्मच या चम्मच है ना, इससे इस पे ऊपर लगाता हूँ। ठीक है, अभी आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ कैसे लगाना है। तो अभी हम देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर जो है यानी ये ब्रेड ले लिया है, या ब्रेड के ऊपर यानी चीज़ ले लिया। तो इसको मैं क्या करूँगा, इस तरीके से थोड़ा बहुत ये इसको इस तरीके से लगाऊंगा इसके ऊपर, यानी पूरा फैला दूंगा। और इसको फिर ये गर्म होने के बाद जो इसके ऊपर पूरी तरीके इस तरीके से फिट हो जाएगा। तो चलिए एक बार इसको मैं थोड़ा बहुत सेट करके फिर आपसे बताता हूँ। हाँ सैंडविच टाइप ही थी, पर पूरा सैंडविच नहीं है। मम्मी मैं तो आइन खाऊंगा अबे, ये जल ठंड हो जाएगी कहीं चाली मुंह एकदम पाची एकली दर्शन करी नहीं जाए जेमा। वैसे अबे तो मारा सारे नहीं मारा सारे वैसे अबे हाड़ा चाहते नहीं तो बहुत देर बाद रह जाएगा। 5 मिनट 10 मिनट दर्शन करी नहीं जाऊंगा। अरे यार मैं पहली आती पर मैं देखियो मम्मी जा जाप में हार नहीं है। वैसे आजकल जवाब में मैं कहीं नहीं, जो टेंशन नहीं पर मन मार शर्म आ रही। सो गाइस अपने पास इस तरीके का ये मेरे पास ये है यहाँ पे चीज़ क्यूब वाला है। तो मैंने ये खोल के पहले से रख दिया था। तो अब इसको इसके ऊपर ग्राइंड करूँगा और फिर जो है मैं इसको सेकूँगा। तो चलिए इसके ऊपर ग्राइंड करते हुए सेकते रसोई में से हम करेंगे इस चीज़ को ग्रेट। तो चलिए मैं इसको भी ग्रेट करता हूँ। सो गाइस अभी मैंने इसके ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं चीज़ भी जो है डाल दिया है ग्रेट करके, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तब इसको मैं चलिए इसको मैं इसको यहाँ रखता हूँ, इसको सेकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको इधर इस साइड रखूँगा, इस साइड रखूँगा, छोटे वाले गैस पे करेंगे। तो यहाँ पे है अपना लाइटर, तो इसको ऑन, ये चालू, इसको रखा इसके ऊपर और इसको किया एक बार साफ। और फिर जो है अपना जो है ये इसके ऊपर जाएगा। उससे पहले जो ये घी है थोड़ा सा मैं इसके ऊपर घी डालूंगा। नीचे तो है, मैं नीचे बटर नहीं लगा रहा हूँ, नीचे मैं घी लगा रहा हूँ क्योंकि घी भी अच्छा लगता है। तो एक बार एक को सेकूंगा,
तो ये लिया मैंने एक और इसको जो है इसके ऊपर रख दिया। तो अब ये ऑटोमेटिक यानी थोड़ी देर में ही सेट हो जाएगा, जैसे जैसे इसके ऊपर भाप लगती जाएगी वैसे वैसे ये होते जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको हाथ से भी सही कर देता हूँ ताकि अच्छा रहे। और थोड़ी बहुत चीज़ यहाँ पे रह गई थी इसकी जो ये डाल देते हैं, और फिर अब इसको भी इसके बाद इसको रखेंगे, तो इसको पहले होने देते हैं, देखते हैं अब ये कैसा बनता है। अच्छा बनेगा तो आप भी आपके घर पर ट्राई कर लेना। मैं सिंपल ही बना रहा हूँ, फिर देख सकते हैं आप तो इसका बनने का वेट करते हैं। 5-10 मिनट लगेंगे तो मैं बनने के बाद ही आपसे मिलता हूँ। बस अभी मैंने जो है इसके ऊपर यहाँ आप देख सकते हैं एक प्लेट यानी इस तरीके से रख दी है ताकि वो थोड़ी सी उसके ऊपर भाप लगेगी तो बढ़िया से जो है वो हो जाएगा, यानी जो चीज़ है वो बढ़िया से मेल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इसके साथ करेंगे, तो इसको अभी बनने देते हैं। इसको हटाने के लिए मैं यूज़ करूँगा इसका, फिर जो है अभी मैं अब इसकी खुशबू आने लग गई है तो मेरे को लगता है होने वाला। चलिए इसको भी हटा के मैं देखता हूँ। एक तो सिंपली क्या करना है, ये जैसे ही होने लगे और इसके ऊपर एक और ब्रेड लेके इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और इसको यानी किसी इस तरीके से लेके और इसको जो है फ्लिप कर देना। देख सकते हैं नीचे से बढ़िया कुक हो चुका है, थोड़ा सा जल गया है तो हम एक और ब्रेड लाया हूँ मैं उसके ऊपर, तो इसको थोड़ा सा इससे हम प्रेस कर लेंगे। मैंने उसके ऊपर बटर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसके ऊपर यानी बटर की ज़रूरत नहीं थी, वैसे भी मैंने उस पर थोड़ा ज़्यादा बटर लगा दिया था तो वो सेट हो जाएगा। तो इसको बस होने 2 मिनट और लगेंगे इसको होने में, और इसको भी सिंपली यही प्रोसेस करना है। देखते कैसा बनता है, अच्छा बने तो आप ज़रूर से ट्राई करना। ये जो है अभी ये बिल्कुल पूरी तरीके से बन चुका है, तो इसको मैं लूँगा इधर और फिर से जो है थोड़ा सा घी लगाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं घी डाला थोड़ा सा और, ये पूरा इसके ऊपर फैला दूंगा मस्त, और इसको रख दूंगा मैं ऊपर इसका ढक्कन इसके ऊपर, और फिर ये जो है इसको लेके रख दूंगा मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसको इसको पहले से इसको इस बार इससे ढकेंगे, और जितने अपन इसको टेस्ट करते हैं पहले उसको मैं काटूंगा। कटने के लिए है अपने पास ये वाला औजार, चलिए इसको काटते हैं। ये काट दिया गया है, इसका 4 पीस करेंगे टोटल, खाने वाला मैं ही हूँ तो भी मैं 4 पीस करूँगा। 4 पीस हो चुके हैं, तो इसके अंदर का थोड़ा सा आपको व्यू बताता हूँ। यह अंदर आप देख सकते हैं मस्त चीज़ जो है तगड़ा वाला खुल हो चुका है कुक। चलिए इसको मैं भी टेस्ट करता हूँ। इतना अच्छा बना है ना ये, उसकी कोई हद नहीं है। आपको मैं खिला भी सकता हूँ, बाकी आपको भी मैं खिला देता। बस सब मस्त बना। तो बस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।